गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता, मतलब सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए और सभी नागरिकों को समान, मतलब एक जैसी ये मिलनी चाहिए न्यायपालिका में, एक जैसी सभी को जैसे बिहेवियर एक जैसा, कोई भी इन्फीरियर नहीं, कोई भी सुपीरियर नहीं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सभी एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी एक समान है। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज। ये दो वैल्यूज़ पर बेस्ड सोसाइटी, मतलब समाज का निर्माण करना, ये इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। और हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस ही फॉलो करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल अचीव करने के लिए हम वैसे ही, मतलब हमारी जो नया समाज है वो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित ही निर्माण करने का हम कार्य कर रहे हैं। टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दोज सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वेलिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। The principles of justice and equality aims at ending discrimination in social status, such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development to every individual. भारत में सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए सारे जो social conditions आज है वो जिम्मेदार है। Social conditions मतलब जाति भेद, धर्म भेद, है ना, उसके बाद लड़का लड़की भेद, ये सब हमारे सोशल इनजस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही हम दूर करना चाहते हैं। सभी को इक्वालिटी, मतलब ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल। ऑल कास्ट के जो भी, मतलब कास्ट से आइडेंटिफाई ही नहीं करना। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, ओके। और न्याय और समानता का यही प्रिंसिपल होना चाहिए। इसका एम है कि जो भेदभाव होता है, सोशल स्टेटस, सामाजिक न्याय जो होता है ना, तो ये भेदभाव दूर होना चाहिए। जैसे कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, किसी की भी जात अलग नहीं है, मतलब ना जाति भेद होना चाहिए, ना धर्म भेद होना चाहिए, ना भाषा भेद होना चाहिए, ना स्त्री पुरुष भेद होना चाहिए, ना लड़का लड़की भेद होना चाहिए, ना ये शहर में बड़ा शहर में इसका जन्म हुआ तो ये डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होना चाहिए कि ये गांव का लड़का है, ये शहर का लड़का है, ऐसा भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। ना प्रॉपर्टी, मतलब ना अमीरी गरीबी का भेदभाव होना चाहिए, सभी इक्वल होना चाहिए। वी शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, हर एक इंसान को खुद की प्रोग्रेस करने की चांस मिलनी चाहिए। टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। समाज के सारे स्तर पर ये न्याय और समानता प्रस्थापित करने की कोशिश हो रही है। बट दी गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन सरकारी जो पॉलिसीज है, सरकारी नियम जो है, सरकारी पॉलिसीज है, सरकार की जो कोशिश है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन टू द मेन स्ट्रीम। समाज के सारे लोगों को एक धारा में लाने के लिए, एक स्तर में लाने के लिए, सभी को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस इन सोसाइटी। डेमोक्रेसी जो होती है वो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस जो होते हैं, है ना, वो सेक्शन के लोगों को एक सेक्शन में लाने की प्रोसेस होती है। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो जाति भेद, धर्म भेद के तनाव होते हैं या जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई कम करना ही डेमोक्रेसी, कम करने में डेमोक्रेसी हेल्प करती है। लेटस टेक रिव्यू ऑफ द एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन। ये दंगल, लड़ाई झगड़े, ये कम होने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई गवर्नमेंट की तरफ से, हम देखेंगे अभी। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब आरक्षण की पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज मीन्ट फॉर दोज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक जो लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, प्रोग्रेस का अधिकार, मतलब एम्प्लॉयमेंट का अधिकार नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को आरक्षण देने की पॉलिसी जो
हमारे गवर्नमेंट ने लाई है, चांस दिया है कि आपको भी एजुकेशन मिलेगा, आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसी पॉलिसी के अंतर्गत स्कूल्स में, कॉलेजेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण गवर्नमेंट ने ये किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आरक्षण दिया है। और एक प्रोविजन ऐसा भी है कि ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। एट्रोसिटी जो है ये सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता प्रस्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कायदा बनाया गया, लॉ बनाया गया। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो नागरिकों के अंतर्गत मतलब अगर उन पर कोई अन्याय होता है तो वो अन्याय दूर करने के लिए ये एक्ट का यूज कर सकते। प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मीन्स दोज हु आर वेरी माइनर इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जिनकी संख्या कम होती है उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से प्रोविजंस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। माइनॉरिटीज को एजुकेशन में फैसिलिटीज दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट में फैसिलिटीज दी जाती है और उनको चांसेस दिए जाते हैं एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मतभेद, भेदभाव के विरुद्ध है, प्रतिबंधित करता है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद और प्रदेश का भेद, जिसे हम प्रदेशवाद कहते हैं, प्रादेशिक असमानता जो होती है, मतलब कोई बिहार का होता है, कोई गुजरात का होता है, कोई महाराष्ट्र का होता है, सभी लोग मतलब ऐसे, जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल वी ऑल आर द इंडियन सिटीजन्स। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन किया गया है माइनॉरिटीज के लिए कि वो अपने अधिकार, मतलब उनको भी समानता का अधिकार है, उन्हें भी फ्रीडम का अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें राइट टू फ्रीडम भी दिया है और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकते हैं, मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्याचार जिसे हम कहते हैं। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं और उनको पढ़ाई के भी अधिकार दिए गए हैं। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। मतलब हमारे देश में महिलाओं की भी वही स्थिति है, मतलब महिलाओं पर भी अन्याय, अत्याचार होते हैं, तो ये सब महिलाओं को प्रोटेक्शन देना भी जरूरी था, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए। तो वो कौन से है हम ये पढ़ने वाले अभी। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन, महिलाओं को पावरफुल बनाने के लिए कोशिश की गई। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव इलिटरेसी अमंग वुमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए महिलाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए और महिलाओं को मतलब रोजगार भी मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। जब वो आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली जब वो स्ट्रांग होंगे, ओनली देन दे विल बी एम्पावर्ड, ओनली देन वुमेन विल बी एम्पावर्ड। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स विच क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट। तो महिलाओं को अलग अलग मतलब इक्वल शेयर दिया जाता है पिता की और पति की प्रॉपर्टी में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट मतलब दहेज लेना और देना दोनों भी प्रतिबंधित है, दोनों भी कानूनन अपराध है। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, अगर कोई जबरदस्ती से सेक्सुअल
हरेसमेंट करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब अगर घर पे ही कोई अन्याय अत्याचार या मारपीट करता है महिलाओं को तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कंप्लेन कर सकती है और वो घर में ही जो अत्याचार करता है उसको पुलिस पकड़ कर ले भी जा सकती है। दैट इज द डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर पर महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वो। एक्ट आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस विच क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन। महिलाओं के फ्रीडम के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ये कायदे बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो।